नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर रहे हैं अपन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दो कर चुके हैं, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये दो हम कर चुके हैं। अभी अपन कर रहे हैं इसका लास्ट थर्ड, क्या है वो, चेक। चेक को किसमें डिफाइन किया है देखते हैं। चलो सेक्शन 6 डिफाइन करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। सेक्शन 6 डिफाइंस स्टेट्स दैट स्टेट्स नहीं डिफाइंस करके लिखना होगा। सेक्शन 6 डिफाइंस अ चेक एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको किसके कैटेगरी में डाल दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज की कैटेगरी में डाल दिया है। ड्रॉन ऑन अ, ये हमेशा किस पे चेक ड्रॉन करते हैं, बैंकर के ऊपर, स्पेसिफाइड बैंकर, जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक पे, इसलिए स्पेसिफाइड बैंकर। एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल, एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल अदरवाइज then on demand and it includes the electronic image of a truncated check and a check in the electronic form and a check in the electronic form। ये एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज है जो ड्रॉ किया जाता है किसके ऊपर, एक स्पेसिफाइड बैंकर। अपन किसी भी बैंक का नहीं कर सकते, अपन का जिसमें अकाउंट होगा उस पे। और एक इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है, इसमें दुनिया भर का वही दिया है इसमें। अब इसमें देखो देखो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो इसमें दिया है नया इलेक्ट्रॉनिक इमेज, उसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑनलाइन में दिखना, जो रिटर्न है या साइन है। अगर आप लोग कभी साइन वगैरह करके देते हैं बैंक में, तो वो स्कैन कर लेते हैं और वो आपके इलेक्ट्रॉनिक इमेज में ऐसे पेस्ट कर देते हैं चेक में, ठीक है, विथ द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर उसमें यूज होता है, बायोमेट्रिक, सुना अपने थंब इम्प्रेशन लगता है वो, उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक सिग्नेचर, तो इसकी वजह से वो होता है। अब देखो चेक्स के फीचर्स पढ़ते हैं अपन, फीचर्स ऑफ A check is always drawn on a banker second it is always payable on demand it is always A check does not require acceptance checks can be drawn on the bank with which the drawer has an account किसी को डाउट है देखो चेक किस पे ड्रॉन करते हैं हमेशा एक बैंकर पे
दूसरा ये हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है, अ चेक डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस, इसमें किसी का एक्सेप्टेंस रिक्वायर नहीं है, मतलब हम जिसको जिसके नाम पे हम चेक इशू कर रहे हैं तो हमको उसका साइन लेने की जरूरत नहीं है एक्सेप्टेड करके। चेक कैन बी ड्रॉन ऑन द बैंक विथ विच द ड्रॉवर हैज अ अकाउंट, हाँ हम उस बैंक का उसको दे सकते हैं चेक अगर हमारा भी अकाउंट है जिसमें उसका अकाउंट है, तो विथ विच द ड्रॉवर हैज अकाउंट। दूसरा क्या है देखो, इफ अ चेक इज डिसऑनर्ड, अगर चेक डिसऑनर होता है तो क्या करते हैं अपन, बैंक के ऊपर केस करते हैं कि उस पर्सन के ऊपर केस करेंगे। इफ अ चेक इज डिसऑनर्ड द होल्डर हैज नो रेमेडी अगेंस्ट द बैंक हु इज लायबल ओनली टू टू द ड्रॉवर, जिसने चेक दिया है उसी के ऊपर ही केस होगा अगर चेक डिसऑनर, डिसऑनर मीन्स बाउंस हो जाना चेक। नेक्स्ट देखो इसमें, चेक कभी भी इनवैलिड नहीं होगा है ना, लेकिन हाँ उसमें जो 3 मंथ्स लिखा रहता है तो उसके बाद उसकी इनवैलिडिटी खत्म होगी, क्योंकि यहाँ तो हम उसको पहले वाली डेट में भी दे सकते हैं, उसको बाद की डेट का भी दे सकते हैं। अ चेक इज नॉट अ चेक इज नॉट इनवैलिड सिंपल बिकॉज इट इज पोस्ट डेटेड और एंटी डेटेड, इट इज पोस्ट डेटेड और एंटी डेटेड। नेक्स्ट हो सकता है, अ चेक मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन अ चेक मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक, ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक। अ चेक मे बी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये जो डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था ये वही है, अ चेक मे बी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, हाँ उसकी जगह पे हम डिजिटल सिग्नेचर पुट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाले में, बायोमेट्रिक वगैरह जो साइन यूज करते हैं वो हम इसमें डाल सकते हैं। दूसरा, चेक को सेल्फ पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, कल बताया था, अ चेक मे बी मेड टू पे चेक मे बी मेड पेबल टू सेल्फ, नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है, अ चेक मे बी क्रॉस्ड, क्रॉस्ड सुना है आप लोगों ने, अगर हम चेक को क्रॉस कर देते हैं तो अकाउंट में ही पैसे आएंगे, तब आपको हाथ में कैश नहीं देगा। कभी कभी हम क्या करते थे, कैश चाहिए रहता है तो हम चेक लेके जाते थे, तुरंत कैश लेके आ सकते थे, अगर चेक क्रॉस कर दिया उस पर दो डबल साइन कर दिया ऊपर ऊपर एकदम टॉप कॉर्नर पे लेफ्ट साइड पे डायगोनल में दो क्रॉस कर दिया, अ चेक मे बी क्रॉस, तो इसके अकाउंट में ही पे होगा, देन इट्स पेमेंट कैन नॉट बी, देखो देन इट्स पेमेंट कैन नॉट बी रिसीव्ड एट द बैंक काउंटर एंड हैज टू बी क्रेडिटेड
एंड हैज टू बी क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ पे. ये इसके फीचर्स थे. अब इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा मीनिंग में डाल सकते हो तुम लोग फॉर्म के बाद में, पार्टीज करके. अ चेक हैज थ्री मेन पार्टीज होंगे, मतलब कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, थ्री मेन पार्टीज. पहला इसमें कौन सा होगा, इसमें पहला हो जाएगा ड्रॉवर. ड्रॉवर मतलब मेकर ऑफ द चेक. फिर इसमें दूसरा हो जाएगा बी करके अगर लिखूं तो ड्रॉई, जो पैसे निकालेगा अकाउंट से, मतलब उसके बैंक चेक से. नहीं सॉरी, ड्रॉई ना यहाँ इस केस में बैंक हो जाएगा. ड्रॉई कौन है, बैंक विथ विच द ड्रॉवर विथ विच द ड्रॉवर हैज funds deposited in an account. यहां तक कोई डाउट है किसी को? No ma'am. मैं एक और पार्टी ऐड करेंगे, तीन पार्टीज बोला था मैंने. एक है पे, पे कौन होगा इसमें, टू होम द अमाउंट ऑफ चेक इज पेबल, टू होम द अमाउंट ऑफ चेक इज पेबल. ये है अपना चेक. अगर सिर्फ चेक पूछता है तो इतना जरूर बनाना, फिर इसके बाद एक स्पेसिमेन जरूर बनाना चेक का, स्पेसिमेन ऑफ चेक. सर एक ट्राई करते हैं अपन स्पेसिमेन बनाने का चेक का. देखो देखो क्या क्या हो सकता है एक स्पेसिमेन में, चेक में. देखो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं सपोज पे करके लिखा होगा है ना, ऐसे करके ये होता है ना, फिर यहाँ पे एक लाइन खींचिए, फिर ऊपर क्या रहता है, यहाँ पे डेट का रहता है, फिर आजकल ऊपर लिखा रहता है यहाँ पे वैलिड फॉर 3 मंथ्स करके. नोटिस किया है आप लोगों ने कभी, जो भी डेट दिया उसके 3 महीने तक ये वैलिड रहेगा. फिर यहाँ पे रुपीस लिखा रहता है, फिर वर्ड्स में उसको लिखा जाता है, फिर एक बॉक्स बना रहता है उसमें अपन अमाउंट लिखते हैं, और हमेशा ऐसे करके उसको काटते हैं कि इसके बाद कोई अमाउंट नहीं आ सके. देखा है ऐसा कुछ कुछ? सपोज 3000 का है तो 3000 लिखा, और ऐसे करते हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे क्यों करते हैं कि कोई सामने वाला अमाउंट बढ़ा नहीं सके, और अगर यहाँ बढ़ भी गया तो यहाँ पे रुपीस में लिखा रहेगा, और ओनली करके लिखते हैं लास्ट में. फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर आजकल प्रिंट रहता है, हर अलग अलग रहता है, सिग्नेचर करते हैं अपन,
यहाँ पे बैंक का एड्रेस वगैरह लिखा रहता है, यहाँ पे आईएफएससी कोड वगैरह लिखा रहता है, तो ये एक ऐसा एक स्पेसिमेन रेडी होता है। देखा था आप लोगों ने, चेक मैंने बोला था एक बार घर पे मैच करना। बताओ, देखा था अकाउंट नंबर सीरियल नंबर लिखा रहता है चेक का यहाँ पे, कि कौन से सीरियल नंबर का चेक हमने इशू किया है। तो हम फ्रंट पे एक रिसिप्ट रहता है, हम उस पर एंटर करते जाते हैं, कंटेंट से इंडेक्सिंग करते जाते हैं अपन, कि इस नंबर का चेक हमने इस पर्सन को पे किया है, कौन सी डेट पे, कौन से कितने अमाउंट का, तो ये सब अपन मैच करते हैं इसमें। क्लियर है यहाँ तक?